नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका श्री आईवीएफ के फेसबुक पेज पे आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू चेक फॉर द फर्टाइल डेज व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं नेचुरली या आईवीएफ व्हाटएवर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब ओव्यूलेशन हुआ है और कब एक नेचुरल ट्रायल हमें करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए और कौन से दिनों में करना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम मोस्टली फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस पर डिपेंड करता है, तो मोस्टली फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के आसपास होती है, प्लस माइनस वन वीक इज नॉर्मल। तो अगर किसी के पीरियड्स 28 दिन के बजाय 21-22 दिन में आते हैं और कईयों के अगर लेट होके भी अराउंड 35 डेज में भी आते हैं तो वो नॉर्मल है। सो हम एक एवरेज लेके चलते हैं, चलिए 28 डेज। तो 28 डेज के हिसाब से जो मेंस्ट्रुअल जो ओव्यूलेशन होगा दैट वुड बी एट अराउंड 14th डे। तो नॉर्मली 13वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है। अब हमें पता कैसे चलता है ओव्यूलेशन हो गया? सबसे पहले तो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो बॉडी टेम्परेचर हल्का सा राइज होता है। दूसरा जो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं इजिली, सो हम सेकेंड ओव्यूलेशन एक पेन होता है, दैट्स कॉल्ड मिडिलमर्स पेन। तो वो आपको एक फूटने का एक पेन सा महसूस होता है मिडिल साइकिल, दैट इज अगेन नॉट कन्फर्मेटिव। अगर हम टेस्टों की बात करें तो हॉर्मोन्स के सबसे इजीली डन टेस्ट जो है वो है एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम देख के बता सकते हैं कि जो एक बना था वो अब रप्चर हो रहा है कि नहीं होता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है, एक एलएच किट आती है जो हम ओव्यूलेशन किट्स के नाम से आती है। तो वो एलएच किट आप नॉर्मल अपने यूरिन सैंपल से जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वैसे ही करके चेक करें, अगर वो पॉजिटिव है तो विद इन 24 आवर्स ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है। सो वो ओव्यूलेशन किट्स रहती हैं। नहीं तो आजकल इफ योर पीरियड्स आर रेगुलर, आपको पता है कि आप रूटीनली ओव्यूलेट अगर आप कर रहे हैं तो इवन जो मेंस्ट्रुअल एप्स आती हैं आप उससे भी सर्च चेक करके एक ओव्यूलेशन टाइम अपना पता लगा सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक कैलकुलेशन का आइडिया बताती हूँ कि अगर आपकी 28 डेज का साइकिल है उसमें से 14 डेज माइनस कीजिए, दैट विल बी द डेट ऑफ योर ओव्यूलेशन। सो दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू हैव इंटरकोर्स, प्लस माइनस 4-5 डेज पहले एंड प्लस माइनस 4-5 डेज बाद में। तो अराउंड 7-8 डेज ड्यूरिंग अराउंड द ओव्यूलेशन यू शुड हैव इंटरकोर्स टू ट्राई फॉर अ नेचुरल प्रेगनेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स ऑल्टरनेट डे रख सकते हैं, एंड अगर आप श्योर है कि आज ओव्यूलेशन है तो उस दिन जरूर रखें। सो ये आपको बहुत मदद करेगा कि अगर आप और कोई रीजन नहीं है प्रेगनेंट ना होने का, सो टाइमली इंटरकोर्स आपको काफी हद तक हेल्प करता है। अगर आपने ओव्यूलेशन के लिए ड्रग्स भी ले रखे हैं, मेडिकेशन ले रखी है कि अंडा बन जाए, तो ऐसे केसेस में ये टाइमली इंटरकोर्स बहुत मदद करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।